रॉक स्टार और तमाशा में काम कर चुकी एक्टर रणबीर कपूर और डायरेक्टर इम्तियाज अली की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना कमाल दिखाएगी। हाल ही में इम्तियाज अली की शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टार फिल्म जब हैरी मेट से जल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं अब इम्तियाज अली की एक और स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार है। वहीं इस बार इम्तियाज एक बार फिर रणबीर कपूर के साथ फिल्म बनाएंगे। Bollywoodlife.com के सोर्स के मुताबिक रणबीर कपूर इम्तियाज अली की अगली फिल्म का हिस्सा होंगे। रणबीर कपूर के दादाजी राज कपूर को फिल्म मेरा नाम जोकर की थी। इस फिल्म को हिंदी सिनेमा के इतिहास में बेहतरीन फिल्म कहा जाता है। वहीं अब इम्तियाज इस फिल्म को लेकर कुछ नए रंग भर कर दर्शकों के सामने लाएंगे। पहली फिल्म की कास्ट की तरह इस बार रणबीर के पिता यानी ऋषि कपूर भी इस फिल्म में नजर आएंगे। बता दें हाल फिलहाल में रणबीर इन दिनों संजय दत्त के ऊपर बन रही बायोपिक राजकुमार हिरानी की फिल्म को लेकर बिजी चल रहे हैं। हाल ही में इम्तियाज अली की शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टार फिल्म जब हैरी मेट से जल 4 अगस्त को रिलीज हुई थी। यह फिल्म दर्शकों पर अपना जादू चलाने में नाकामयाब रही, जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। जिस तरह की खराब परफॉर्मेंस इस फिल्म ने दिखाई उतनी बादशाह की किसी भी फिल्म ने नहीं की थी। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ट्रेड पंडितों को उम्मीद थी कि फिल्म पहले वीकेंड पर 60 करोड़ से ऊपर की कमाई कर लेगी और पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट खिड़की पर फिल्म धड़ाम से गिर गई।